डोंट डू PYQs. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड वन थिंग, नीट में आप पिछले 10 साल AIPM2 से पहले तो हमेशा से देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है मेजोरिटी एज सच क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं. जो चीज रिपीट होती है और हर बार रिपीट होगी, मैं 101% बोल रहा हूँ रिपीट होगी, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स FAT. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो क्वेश्चन आया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, क्वेश्चन आया मेंडल का, अब रेदर देन केवल इसका क्वेश्चन और इसका आंसर आप रटो और केवल आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ो, इसके आसपास के जो टॉपिक्स हैं, जो बाकी लॉज है मेंडल के, वो भी आपको पढ़ने हैं. दैट कंस्टिट्यूट्स द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स आल्सो नोन एज FAT. FAT बेस नोट्स, मतलब कि पहले क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे 10 साल के, उनका एनालिसिस किया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. दूसरी चीज NCERT देखी, इन दोनों के बेसिस पर जो नोट्स हैं डिजिटल फॉर्मेट में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनोटेशन सारे अपलोड कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे. अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन नाम है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, जाके आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मजा आ जाएगा आपको नोट्स को देखकर. व्हाट डू पीपल से अबाउट दीज नोट्स.